नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के धनबाद में मणिपुर में महिलाओं का नग्न परेड निकालने पर विरोध प्रदर्शन। खबर झारखंड के धनबाद जिला के कुमार दुबी मोड़ पर एसटी एससी ओबीसी के बैनर तले चंद्रशेखर आर्य, कांग्रेस पार्टी के शशि भूषण तिवारी, प्रभु पासवान, काजल बावरी, दुर्गा देवी, जियाउल अंसारी और अन्य गणमान्य लोगों के नेतृत्व में मणिपुर में मैती द्वारा कुकी जाति के महिलाओं को नग्न करके परेड कराए जाने एवं पुरुषों पर घोर अत्याचार करके उनके घरों को जलाए जाने पर प्रधानमंत्री के मूकदर्शक बनने के विरोध में प्रधानमंत्री का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया गया। निरसा संवाददाता लोकनाथ प्रसाद की रिपोर्ट। आज प्रधानमंत्री जी को थोड़ा सा भी शर्म नहीं हो रहा है, इतना बेशर्म है कि आज अढ़ाई महीना से भी तीन में लगभग तीन महीना होने चला और मणिपुर पूरा आग लगा हुआ है, सारे घर जल गए और वो जाके विदेश घूम रहे हैं और अढ़ाई महीना तीन महीना के अंदर उनको थोड़ा सा भी सूझबूझ नहीं हुआ और कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं हुए। जब चारों तरफ से उन पर दबाव पड़ा तब जाकर दो मिनट के लिए आए सामने, मगरमच्छ की आंसू झूठा आंसू रोने लगे। अरे आप तो कहते थे कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये कहाँ गया आपका जुमला? ऐसे करते थे भाई और बहनों, मदारी जैसे खेल दिखाता था, आइए कि जैसे खेल दिखा रहे हैं तो ये खेल दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ पर आदिवासी एसटी एससी ओबीसी सारे महिलाओं का आप अपमान कर रहे हैं, महिलाओं के नाम पे आप वोट का राजनीति कर रहे हैं और महिलाओं को जलने के लिए छोड़ दे रहे हैं। ये कैसी आपकी दोहरी चाल है, दोहरी नीति है, ये सच्चाई है? वो कभी नहीं सोच सकते हैं महिलाओं के बारे में, जो अपना माँ के बारे में लाइन में खड़ा कर देता है राजनीति के लिए, जो अपना बीवी का नहीं हुआ वो किसी का माँ बहन का कैसे होगा? वो कभी हो ही नहीं सकते हैं, वो एकदम वो हद से ज़्यादा नीचे गिर गए हैं, बेशर्म शर्म चारों तरफ से। आज स्मृति ईरानी जी बोलती थी, डिस्को डांस करती थी कि महिलाओं पर बड़ा बड़ा बहुत आती थी, आज बेशर्म जैसा कहाँ गई? शर्म नहीं है उनको? महिलाओं पर आके सामने क्यों नहीं बोलती? आज महिलाओं पर अत्याचार हो रहा, महिलाओं का बलात्कार हो रहा, महिलाओं का शोषण हो रहा है, आज महिला मंत्री एक भी बोलने के लिए बीजेपी के लिए तैयार नहीं है। दौड़ दौड़ के भागती है महिलाओं के नाम पर, जब कोई प्रेस मीडिया भाई आते हैं पूछने के लिए तो भागती है दौड़ के। आज हमारे यहाँ पर सामने हमारे निरसा की विधायिका महिला है, विधायक महिला है, उनको भी मणिपुर का कांड पे और जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है उनको भी सामने आकर बोलना चाहिए, उनको भी शर्म होना चाहिए। वो क्यों दूसरे जगह कहीं जब सामने कुछ भी होता है महिलाओं पे दूसरे मुद्दे पर तो बोलेगी, लेकिन हमारे यहाँ जो ज्वलंत अभी मुद्दा है, जो महिलाओं पर जो बोलने का मुद्दा है, महिलाओं पर क्यों नहीं बोल रही है? आज महिला में क्यों चुप्पी साधी हुई है? सामने आना चाहिए। आज आप सारे लोग जब कुछ जो जुमला वाला मुद्दा होता है तो उसमें आप लोग बहुत बड़ा बड़ा ड्रामा करते हैं, आज ड्रामा नहीं कीजिए, आज सामने आइए, सामना कीजिए। और हम लोग का जो आदिवासी और सभी महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, सभी वर्ग के महिलाओं पर जो आज रोड पर चलना मुश्किल हो गया है, वैसे महिलाओं को आप लोग सुरक्षा देने तो नहीं सकिएगा, क्योंकि आप तो जुमला करते रह गए कि हम तो झोला लेकर आए हैं और झोला लेकर चल जाएंगे। फकीर हैं भाई, कैसा कोई सही बात है, फकीर है। अपने दोस्त मित्र को तो भगा दिए, ये भी अपना घर द्वार सब छोड़ दिए हैं और सारे दो चार जार गिने चुने दो मित्र हैं उनको बनाने में लगे हुए, ये भी उनको भी जो बचे कुचे हैं उनको भी भगा देंगे और ये जुमला नहीं चलेगा। और हमारे यहाँ जो समाज से भी हम लोग कुमार देवी बाजार के चौक पर मणिपुर के सवाल, मध्य प्रदेश के सवाल पर आज हम लोग आए हुए हैं। मणिपुर का सवाल आज और कल का सवाल नहीं है, यह मणिपुर का सवाल पिछले तीन महीनों से ऊपर से वहाँ का सवाल है। यदि आप गहराई में जाएंगे तो मणिपुर में तीन प्रमुख जातियाँ हैं, एक मैती समाज के लोग, एक कुकू समाज के लोग और एक नागा के लोग। तो आप देखेंगे कि जब आप मणिपुर जाएंगे तो जो ग्राउंड लेवल के जो लोग हैं वो मैती समाज के लोग हैं, जो एसटी समाज के लोग हैं, कुकू के जाति के लोग वो पहाड़ का उनका अधिकार है कि जो ज़मीन के लोग जो मैती समाज के लोग हैं जो पहाड़ पर जाकर वो ज़मीन नहीं खरीद सकते, ये मूल कारण वहाँ पर है। लेकिन जिस तरह से वहाँ का मुख्यमंत्री का एक बयान आया इस घटना के बाद, यह एक पहली घटना नहीं है,
इस तरह के सैकड़ों घटनाएं मणिपुर के अंदर में हो गई है ढाई महीने के अंदर में। यह मामला मई का 4 तारीख का मामला है, 4 तारीख से लेकर चूँकि वहाँ पर सोशल मीडिया और पूरा नेट को बंद कर दिया गया और यह मामला आज के डेट में आया है, तो वहाँ मुख्यमंत्री का जो बयान आया कि यहाँ सैकड़ों इस तरह की घटनाएं हुई है, यह शर्म करने की बात है। हम जैसे जो भारतीय हैं वो शर्म किससे अपने सर को नीचे कर रहे हैं। जिस तरह से नग्न महिलाओं को परेड कराया गया, नारियों की देश है यहाँ पर, हम लोग नारियों को माता के रूप में भी पूछते हैं, वह वैसा देश में हम लोग वहाँ पर रहते हैं। और इस देश में जिस तरह से महिलाओं के साथ में नगण्य करके परेड कराया गया, यह बहुत ही गलत बात और बहुत ही भर्त्सना करने की बात है। इस मणिपुर के सवाल पर यदि कोई नेता कोई मणिपुर पहुंचा है तो वह देश का एकमात्र नेता राहुल गांधी वहां पर पहुंचे। उन्होंने वहां की पीड़ा देखा, वहां पर जाकर एक एक शरणार्थी स्थल पर जाकर उन्होंने देखा कि किस तरह से उन लोग कठिनाइयों का सामना कर रही हैं और कर रहे हैं लोग। इस तरह से मणिपुर जिस तरह से सरकार कहा करती थी कि डबल इंजन की सरकार रहेगी तो हम वहाँ पर सुशासन और व्यवस्था देंगे, यही डबल इंजन की सरकार के कारण देख रहे हैं मणिपुर जल रहा है और लगातार जल रहा है। इस बीच में देश का प्रधानमंत्री विगत 2.5-3 महीना में आप देखेंगे तो 8 देशों का भ्रमण किए हैं, 8 देशों में जाकर अपने हाथ से अपने ही पीठ को थपथपा रहे हैं। आप देखेंगे इस बीच में देश के अंदर में 2 प्रमुख राज्यों में चुनाव हुआ, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका के देश के अंदर में चुनाव हुआ, उस राज्य में जाकर यह लगातार वहाँ पर चुनाव प्रचार करने में व्यस्त रहे, लेकिन मणिपुर के सवाल पर एक शब्द बोलने का इनको अवसर नहीं मिला। इस वीडियो के आने के बाद भी देश का प्रधानमंत्री तब तक नहीं बोला जब तक देश का सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं किया। यदि सुप्रीम कोर्ट न कहा होता तो शायद लगता है कि प्रधानमंत्री उस विषय पर भी 36 मिनट आकर इस विषय पर कुछ न कह पाते। तो यह स्थिति देश के अंदर में आ गया है जहां पर आम जनता के साथ साथ में महिलाओं का सम्मान कहीं नहीं बचा हुआ। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश का एक मिसाल, जहाँ पर एक दलित के साथ में किस तरह से वहाँ पर घटना किया गया, उस वहाँ पर भी देखेंगे तो किसकी सरकार है, तो सरकार है भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार। वो भी सरकार ऐसी सरकार जो खरीद फरोख्त करके वहाँ पर सरकार बना के अपना काम कर रहा है, और वहाँ मामा जाकर एक देखेंगे फिर बाद में वो अपना पट्टाक्षेप करने के लिए एक फेक दूसरे लोगों को आकर उसका पाव पूजन करते हैं। वो जिस घटना में जो लोग थे उस घटना का वो आदमी नहीं था। तो इस तरह से हम लोग आज निरसा में जितने प्रबुद्ध लोग हैं सामाजिक स्तर पर इस विषय को लेकर, मणिपुर के सवाल को लेकर, इस विषय को साथ में कि जहां पर इस तरह की घटनाएं हो रही है उन तमाम घटनाओं को लेकर हम लोग इसका विरोध करते हैं। आने वाला समय में यदि इस तरह की और ज़रूरत होगी तो हम लोग निश्चित तौर पर कारगर जो हम लोग समाज के लोग बैठ के जो हम लोग तय करेंगे, जो सामाजिक संगठन के लोग तय करेंगे, उन सभी को साथ में लेकर हम लोग का जो विचार आएगा उस विचार के तहत हम लोग और आंदोलन का रुख और कड़ा रुख अपनाएंगे। इसी बात के साथ मैं उन परिजनों के साथ इसके साथ और एक बात आपको जोड़ देता हूँ, जिस मणिपुर में जिस महिला के साथ यह घटना घटी है वह उसका हस्बैंड उसका पति वह कारगिल युद्ध में जाकर वह से लड़ा और वो निराश होकर उसका जो बयान आया है वो तो और घोर अपमान वाली, जो देश का सेवा के लिए वो आदमी खड़ा रहा वो अपना ही परिवार का रक्षा नहीं कर पाया। इसी बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद जय भारत। इस देश में जो महिलाओं पर अत्याचार हो रही है, जो मणिपुर में पुलिस कस्टडी से महिला को लेकर वहाँ मारपीट किया गया, नंगा घुमाया गया, जो वीडियो सामने आया है बहुत ही निंदनीय है, इससे समाज के लोग आक्रोशित हैं। 2014 में भाजपा की सरकार बनी तब से ये आरएसएस के लोग, बजरंग दल के लोग, इन लोगों का मनोबल बढ़ गया। इन लोगों का अत्याचार महिलाओं पर, आदिवासियों पर, ओबीसी के समाज के लोगों पर, अल्पसंख्यक लोगों पर और दलित लोगों पर पूरे रूप से खुलकर जो है जग एकदम उड़दन किए हुए हैं। इसका मिसाल आपने देखा मध्य प्रदेश में एक आदिवासी आदमी के पर भाजपा का लोग पेशाब कर रहा है, मणिपुर में आपने देखा महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, वहाँ का मुख्यमंत्री बोल रहा है इस तरह की अनेकों घटनाएं हुई है, बहुत बड़ी बात नहीं है। मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री विदेश घूम रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जो कहते थे हिंदुओं के लिए हम काम करेंगे, हिंदुओं का रहेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हमको वोट दो,
पूरे हिंदुओं ने जबरदस्त वोट दिया 2014 में, इनको प्रधानमंत्री बना दिया। प्रधानमंत्री बनने के बाद इन्होंने कहा कि हम मुस्लिम महिलाओं का दर्द नहीं देखा जाता है, हम इनको न्याय दिलाएंगे, और 3 तलाक बिल ला के पास कर दिया। तो आप जो हिंदू हैं उनको उनके साथ अन्याय महिलाओं के साथ क्यों कर रहे हैं? आपको वोट हिंदुओं ने दिया, आप न्याय जो है मुसलमानों के साथ कर रहे हैं और हिंदुओं के साथ अन्याय कर रहे हैं। हिंदू महिलाएं चाहे दलित हों, ओबीसी हों या आदिवासी हों, इनके साथ आप अन्याय कर रहे हैं। जो आपको सरकार में बैठाई आप उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। इसलिए इस आक्रोश को देखते हुए हम समझते हैं कि सारे लोग, सारे समाज के लोग 2024 में इस आक्रोशित होकर इनको उखाड़ने का काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना बात। राष्ट्रपति एक आदिवासी है, उसके बावजूद भी इस तरह से हो रहा है, इससे आप सभी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोग कितना सुरक्षित हैं। ये बहुत ही दुख की बात है कि मणिपुर में हमारे आदिवासियों के ऊपर निबस्त करके घुमाया गया, उसमें आज तक अभी तक कुछ संज्ञान नहीं लिया गया। प्रधानमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री को एक पल भी नहीं रहना चाहिए, नैतिकता के आधार पर इसको इस्तीफा दे देना चाहिए। इसीलिए हम लोग आज पूरे बुद्धिजीवी SC ST OBC काउंसिल के माध्यम से आज हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं। ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग पूरे रोड से लेके, सड़क से लेके सदन तक जाम करने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्द के साथ सभी को जय भीम, जय संविधान। सभी साथियों को बोलना चाहता हूं कि ये मुझे लाश जलाने की क्या ज़रूरत पड़ी, ये जिंदा लाश जलाने की क्या ज़रूरत पड़ी। साथियों, जब से 2014 से सत्ता संभाले हैं, देश में भेदभाव की राजनीति इतनी पनप गई है कि धर्म के नाम पर लोगों को इतना लड़ाया जा रहा है जिसे अब बर्दाश्त करने से अब फाइल हो चुका है। साथियों, पूरे देश में देखा जाए जितने अत्याचार, जितने अन्याय, जितना बलात्कार ये पार्टी के लोगों ने किया है, उन्होंने पूरे रिकॉर्ड को तोड़ा है। 1947 देश जब आज़ाद हुआ, उस देश आज़ादी के बाद से अगर बलात्कारियों की संख्या बढ़ा है तो 2014 से लेकर के आज तक बढ़ा है। साथियों, हमारे लोग खुश होते हैं जब अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाया गया, तब मोहम्मदन लोग खुश हुए कि मेरे समाज से राष्ट्रपति बनाया गया है। जो समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, साथियों, जब जब राष्ट्रपति बनता है, जिस समाज का राष्ट्रपति बनता है उस समाज का सत्यानाश हो जाता है। जब मोहम्मदन राष्ट्रपति बने तो देखिए मोहम्मदनों की देश में क्या हालात है। उसके बाद आपको ऐसी समाज से जब बनाया गया राष्ट्रपति तो देखिए पूरे आरक्षण ऐसी का ख़त्म कर दिया गया, वो भी एक मिसाल है। आज ST समाज से जब राष्ट्रपति बना है तो पूरे देश में आज ST समाज पर सबसे पहले हमला हो रहा है। साथियों, समझने की ज़रूरत है, ये इसकी यही मानसिकता है। हमारे हिंदू को लोग नहीं समझ पा रहे हैं, सबसे बारी आएगी मोहम्मदनों को कमज़ोर करेगा। जब मोहम्मदन कमज़ोर करेगा, SC ST के लोग देखेंगे कि उस पर हमला हो रहा है, मेरा क्या जाता है। जब मोहम्मदन कमज़ोर हो जाएगा, आप साथ नहीं देंगे, तो SC ST के ऊपर हमला करेगा। तो जब SC ST के ऊपर हमला करेगा तो मोहम्मदन को आपने साथ नहीं दिया है, वो भी आपको साथ नहीं देगा, आपको भी कमज़ोर करेगा। जब SC ST के ऊपर जब हमला हो रहा है तो OBC के लोग देख रहे हैं कि उसके ऊपर हमला रहा, मेरा क्या जाता है। साथियों, जब मोहम्मदन को जब मोहम्मदन को दबा दिया, SC ST को दबा दिया, अब की बारी आपका है, निश्चित रूप से आप दबोगे। आइए तचारी ये पार्टी को आप निश्चित रूप से धर्म के नाम पर ना देखें, अपनी सारे लोगों के विचारों के नाम पर देखे। वो महिला सिर्फ आदिवासी नहीं थी, वो महिला मेरे समाज का थी, वो एक महिला थी, एक महिला जाति की थी। हमारे बहनों को जिस देश में एक मिट्टी की मूर्त बना करके उसको पूजा किया जाता है, उसी देश में हमारे माँ बहनों को नंगे घुमाया जाता है, ये बहुत शर्म की बात है। साथियों, तो मैं अपनी बात को ये